बाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज़ एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खानाबदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकें। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीज़ो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सलजूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दागबेल डाली और यूं खानाबदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आजमों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाकयात से माखूज है। बाजी, आपने मेरी खुशियां छीनी है मुझसे। हर खुशी को गम में बदल दूंगी मैं आपकी। चाहे कुछ भी हो जाए, ये शादी नहीं हो सकती। इलबिल के खातून जब सरदार की खातून बनकर कबीले में और औताक में आ जाएगी, उस वक्त तुम क्या करोगी सलजान? अर्तुल को खबर भेजो कि सोना किले में है, कल आकर आधा सोना ले जाए। फिर उसके बाद अर्तुल को हम शाह बुलाकर मारेंगे। उसके बाद हम इस सरजमीन पर तुर्कों का कत्लेआम करेंगे। रियासत का मामला है ये, रियासत का। अगर रियासत ही ना रही तो ना तो कोई शादी होगी और ना कोई जश्न मनाया जाएगा। आप इलबिल के खातून से शादी कर रहे हैं? इलबिल के खातून से शादी कर रहे हैं आप? इन जहरीले सांपों और इन खूनी पंजों वाले गिद्धों को अगर हम तबाह करना चाहते हैं तो ये रिश्ता जरूरी है। किसके साथ मिलके क्या होगा? किले से निकलने के लिए ड्रैगोस को क्या पेशकश की अर्तुल सरदार? अर्तुल सोना किले में है, उन्होंने आधा सोना देने के लिए आपको बुलाया है। अपने नाकामी पर पर्दा डालने के लिए अर्तुरुल का नाम ले रहा। हमने तुम्हें पूरा इख्तियार दिया था। अगर ये सच है तो फिर अर्तुरुल जिंदा क्यों है अब तक? ले जाओ इसे, डाल दो जिंदान में, बाद में सोचूंगा इस बारे में। मेंगू खानम, आप यहां? तुम जानती थी ना सब? किस बारे में खानम? मुझसे झूठ मत कहना मेंगू। तुम दोनों से पूछा था मैंने, लेकिन इनकार किया। अर्तुरुल सरदार उससे शादी की पेशकश करेंगे, तुम ये जानती थी अच्छी तरह। मुझे कुछ भी नहीं पता था, कसम खाती हूँ मुझे नहीं पता था। अभी कहाँ गई है वो? जल्दी बताओ। सऊद गई है। अर्तुरुल का कुर्ब हासिल करने गई है? हाँ, उसे जितनी कोशिशें करनी है वो कर ले, लेकिन ये शादी नहीं होने दूंगी मैं। तुम दोनों से इसका हिसाब लूंगी। दूर हो जाओ मेरी नजरों से, जाओ। मैं हाजिर हो सकती हूँ अर्तुरुल सरदार? आ जाइए इलबिल के खातून। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया अर्तुरुल सरदार। आपके रिश्ते की वजह से
हमारे कबीले में कुछ गलत फहमियां पैदा हो गई हैं। हर कोई बातें बना रहा है, मुझे उनकी कोई परवाह नहीं है, लेकिन बस कुछ पूछना है आपसे। पूछिए। आपने भाई से मेरे रिश्ते की बात क्यों की? आपके भाई और मैं दोनों कबीलों की बेहतरी के लिए कराबतदारी कायम करना चाहते हैं, इसी सबब ये मुनासिब लगा मुझे। मेरे लिए खास्तगारी का वाहिद सबब दोनों कबाइल के मफाद से वाबस्ता है क्या? आप मुझे अपने औताक में जगह देना चाहते हैं और आपका दिल क्या आपके दिल में मेरे लिए जगह है? दिल इरादों के ताबे नहीं होते खातून, ना तो दिल में मोहब्बत का डालना आसान होता है और ना ही उसे निकालना दिल में से। हमारा रिश्ता है इज्दिवाज, दोनों कबीलों के इत्तेहाद की बुनियाद बनेगा। हमारे इस इज्दिवाज का मकसद हम सब के लिए बहुत अजीम साबित होगा और यही बात अहम है। और अगर भाई ने इनकार कर दिया? क्या आपके भाई इत्तेहाद नहीं चाहते दोनों कबाइल का? अगर वो ऐसा चाहते हैं तो फिर यकीनन रजामंद हो जाएंगे। और आपके बच्चे, क्या वो इस रिश्ते को कबूल कर लेंगे? मां की हैसियत से औताक में खातून को देखना यकीनन उनके लिए आसान नहीं होगा, उन्हें कुछ वक्त लगेगा ये सब समझने में। और क्या आप उनके साथ सब्र तहम्मुल से रह पाएंगे? अर्तुरुल सरदार, इस बात का अंदाजा आपको मेरी रजामंदी से हो जाना चाहिए था, मैं जानती थी ऐसा ही होगा। अपना फैसला कर चुकी हूं मैं और मेरी ख्वाहिश है कि आप भी मेरे इस फैसले में साबित कदम रहिए। खास्तगारी का इजहार पहले मैंने किया है बिल्के खातों, और आप मुझे मेरे कौल पर साबित कदम पाएंगी। अल्लाह हमारी जिंदगी में आसानियां पैदा करे। आमीन। मुझे इजाजत दीजिए। उस्मान, कितने दिन बाद तुम्हें देखा है, ठीक होगी इंशाल्लाह? ठीक नहीं हूं मैं। खैरियत तो है? ये आप मुझसे पूछ रही हैं? हमने आपको अपना दोस्त समझा, अपने औताक में आपको इज्जत दी, लेकिन हमारे ही औताक में आकर आप हमारी वालिदा की जगह नहीं ले सकती, ये नामुमकिन है। तुम मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकते, दोनों कबाइल ही ये रिश्ता चाहते हैं उस्मान। लेकिन मैं ये नहीं चाहता, हमारे औताक में आपकी कोई जगह नहीं, अपने औताक में रहिए। एक बार आप जासूस बनी, दूसरी बार हमारी दुश्मन, फिर भी हमने आपको माफ कर दिया, लेकिन अब आप हमारे औताक की खातून बनना चाहती हैं। सोचा भी कैसे आपने? ना तो हमने एक दूसरे की बात सुनी और ना ही समझी, इसलिए गलतफहमी पैदा हुई। जब हम एक दूसरे को समझ जाएंगे तो हकीकत भी वाजे हो जाएगी। जल्दबाजी ना करो, आराम से मेरी बात सुनो। क्या वाजे नहीं है हर बात? और कुछ क्यों सुनूं मैं? जो कहना था कह चुका हूं मैं, और कुछ नहीं सुनना मुझे। हलीमा,
मैंने तुम्हारी मोहब्बत अपने दिल में रखी। तुम्हारा यह सरपोश सालों से मेरी ढाल बना हुआ है। मैंने तुम्हारे तीनों बच्चों को एक तनावर शजर की तरह परवान चढ़ाया है। अपने कबीले, मकसद और बेहतर मुस्तकबिल के लिए मेहनत की, अपने आराम को पसे पुश डाल दिया, और अब जो करने जा रहा हूं वो भी हमारे अजीम मकसद की तकमील की खातिर है। मैं एक ऐसे रास्ते पर हूं जिसके सिरे पर मौत है, क्योंकि तुम्हारे अलावा मैं किसी को चाह ही नहीं सकता। मैंने अपने जज्बात को तुम्हारे साथ दफन कर दिया। अपने कौल पर कायम हूं मैं, उस जहां में तुमसे मिलने का मुंतजर हूं। बाउद्दीन ने जो कहा उस बारे में क्या कहते हो? या तुम्हारा भी यही ख्याल है कि अर्तुल जिम्मेदार है इसका? अमीर बाउद्दीन ने अपने तौर पर एक अंदाजा लगाया जिसका दुरुस्त होना जरूरी नहीं। मुमकिन है कि अर्तुल ही सबकी वजह हो, लेकिन हमें अंदाजे नहीं बल्कि जो हकीकत है उसे देखना है। और अमीर बाउद्दीन जानते हैं ये कैसे करना है। बाउद्दीन नहीं, तुम करोगे ये काम। लेकिन मैं क्यों? इसलिए कि तुमने अब तक अपना हर काम पूरा किया है। बागी कबीलों में खौफ और दहशत की अलामत हो तुम, सब कांपते हैं तुम्हारे नाम से। अब ये काम तुम ही अंजाम दोगे। अर्तुरुल को खत्म करना है। और अमीर बाउद्दीन? उसका किस्सा खत्म। उसने जो कुछ किया है उसकी सजा मिलेगी उसे। तुम अपनी जिम्मेदारी का सोचो। अर्तुरुल के भाई जिंदा हैं अभी तक, संदूक भी गायब है, और महसूल के मामला, ये सब तुम्हारी जिम्मेदारी है। अर्तुरुल को तुम खत्म करोगे अलबास्ती। मैं जानता हूं कि मुझे क्या करना है। आप परेशान ना हो अलबास्ती। अगर तुमने ये जिम्मेदारी पूरी कर दी तो सरदार आला बन जाओगे, और अगर तुम इस जिम्मेदारी में नाकाम रहे तो हम अपना पूरा लश्कर ले आएंगे, और फिर अर्तुरुल का ही नहीं तुम्हारा कबीला भी बर्बाद कर देंगे। आइंदा कभी भी मुझे अलबस्ती ना कहना। कम ऑन तार, बहुत से लोग इस नाम के पीछे पड़े हैं और सब उसे मारना चाहते हैं। मेरा नाम बेबुलात है। अगर दोबारा कभी मुझे अलबस्ती कहा तो मैं वही बन जाऊंगा। हमने सारी तैयारियां कर ली हैं जनाब। किले में आज से पहले इतने सिपाही कभी नहीं रहे। अर्तुरुल और उसके सिपाही किले में जब दाखिल हो जाएंगे फिर कभी वापस नहीं निकल पाएंगे। क्योंकि हम शराकतदार हैं इसलिए कम ही सिपाही आएंगे उसके साथ। देखा तुमने, दुश्मन का एतमाद जीतना कितना जरूरी होता है। जनाब अर्तुरुल एक अजीम जंगजू है, आपने कहा था। उसे मारने के लिए आपने कोई खास तरीका सोचा है? मुझे ऐसे मंसूबे में कोई दिलचस्पी नहीं। उसे मारकर लुत्फंदोज होना चाहता हूं। मगर एक बात है मेरे जहन में जो उसको मारने से पहले करनी है। इस सऊद में उसकी कब्र बनाने वाले असली ट्रैकोस का चेहरा उसे दिखाना है मुझे। जिसे वो नजरअंदाज कर गया। जब उसे पता चलेगा कि उसे खत्म करने वाला वो जांगोज है तो क्या हाल होगा उसका? हो सकता है मार डाले खुद को।
पहले अर्तुरुल की जिंदगी, उसके बाद सऊद में मौजूद खून की प्यासी फौज, फिर आएगी बादशाह की बारी और फिर आएगा सामने बादशाह ड्रैगोस। बादशाह ड्रैगोस। हम इन सबको खामोशी से मारेंगे। जैसा आपका हुक्म भाई। अगर इन्हें हमले की खबर हो गई तो ये सोना हटा देंगे यहां से। तीरंदाजों, मेरे इशारे का इंतजार करना। जो आपका हुक्म। मौत का वक्त आ चुका है तारा। तुम जो चाहे कर लो, ये सोना यहां से नहीं ले जा सकते। खुदावंद आपकी मदद करे, हम शुक्रगुजार हैं आपके। मौत के इंतजार में थे हम। खातून और बच्चे को बाहर ले जाओ। जो आपका हुक्म भाई। क्या करोगे तुम मेरे साथ? अगर मारना चाहते हो तो मार दो। हुँ।
प्यारे बच्चों, आज हम अल्लाह ताला के कौन से इस्मे मुबारक के बारे में गुफ्तगू करेंगे? मोहतरम, मैं जिस इस्मे मुबारक के बारे में जानना चाहता हूँ वो है अल अलीम। तजस्सुस अकल की छड़ी होता है आयबर्स। अल्लाह ताला तुम्हारे तजस्सुस और बसीरत में इजाफा फरमाए फर्जन। आमीन। अल अलीम जल्ला जलालहू, यानी सब उसी की तखलीक है, कोई नहीं जानता उसके बारे में लेकिन वो सब के बारे में जानता है। जुबां से अदा होने वाले अल्फाज और जो हमारे दिल में छुपा है वो सब जानता है मेरे बच्चों। उसकी हिकमत लाफानी यानी हमेशा रहने वाली है। मुबारक किताब कुरान करीम में अल्लाह ताला ने सबसे पहले जो हुक्म दिया वो फरमाता है इकरा यानी पढ़ो। मुझे किताबें पढ़ना बहुत पसंद है मोहतरम। माशाल्लाह एबर्स, लेकिन इस मुबारक हुक्म का मकसद सिर्फ किताबें पढ़ना नहीं है। तो फिर क्या हुक्म है मोहतरम? कायनात के निजाम को पढ़ना मकसूद है। इल्म व आगाही हासिल करने के बाद हमें इस निजाम को समझना चाहिए। सूरह आले इमरान की आयत 191 में रब इरशाद फरमाता है कि वो लोग चाहे खड़े हों या फिर बैठे हों या फिर करवट के बल लेटे हों, अल्लाह को याद करते हैं। आसमान की और जमीन की तखलीक के बारे में तफक्कुर करो। रब ने इन्हें बेमकसद पैदा नहीं किया। ऐ परवरदिगार, पाक है तेरी जात, तू हमें दोजख के अजाब से बचा ले। अपने अतराफ में अल्लाह की तखलीक करदा चीजों को देखिए जिनमें सबक पोशीदा है। चाहे जिंदा हो या मुर्दा, उसकी सारी मखलूकात पर अल्लाह ताला के अल अलीम इसमें शरीफ की तजल्ली हर शय में नजर आएगी। मसलन जिस्म के आज़ा, जिन्हें मुकम्मल इल्म के साथ तखलीक किया गया है, जैसे कि हमारे कान, अगर समात के बारे में ज्यादा हसास होते तो अतराफ का माहौल और शोर नाकाबले बर्दाश्त हो जाता, और अगर हमारी नाक की हिस ज्यादा हसास होती तो ना जाने हम कितने परेशान होते। रब ने हमें अल अलीम इसमें शरीफ के गहरे माने बखूबी कुदरत में दिखाए हैं। उसकी मखलूकात में न जाने कितने हैवानात और नबातात एक दूसरे से मुशाबे बिल्कुल नहीं है। अल्लाह ने अपनी मखलूकात को जो नक्श दिए वो हमें उसके इल्म का पता देते हैं। वो अजीम रब चाहता है कि हम उसके निजाम को देखें। वो चाहता है कि हम कायनात के उलूम से वाकफियत हासिल करें, क्योंकि एक हदीस का मफहूम है कि या तो इल्म देने वाले बनो या हासिल करने वाले, या तो सुनने वाले बनो या इल्म से मोहब्बत करने वाले, लेकिन कोई और रास्ता इख्तियार किया तो हलाक हो जाओगे। इस सारे इल्म का असल मकसद एक शख्स की खुद से आगाही है। हदीस शरीफ में है कि जो अपने नफ्स को जानता है वो रब को जानता है। अगर आप खुद को जानते हैं तो अपनी सलाहियतों का खुद अंदाजा हो जाएगा, और उन सलाहियतों को इस्तेमाल करके रजाए इलाही को इस्तेकामत के साथ हासिल कर सकते हैं। देखो मसलन इब्ने सीना, उन्होंने अपनी सलाहियत तिब के मैदान में दरियाफ्त की और हकीम बनके कुल जहान में लोगों को हैरान करके शोहरत हासिल की। इल्म सियासत के माहिर निजामुल मुल्क लियाकत के सबब मुख्तलिफ सल्तनतों के 3 बार वजीर बने। सलजूक सल्तनत की बुनियाद भी उन्होंने रखी। अलजजारी ने अलजबरा और इल्म हिंसा के इम्तिजाद से हमारी अकल को हैरान कर देने वाली बेशुमार इजादात की। उन इजादात में से एक वजू करने का मखसूस बर्तन है। हुक्मरानी करने वाले शख्स को भी कायनात के इस निजाम को बखूबी समझना चाहिए, अपने लोगों की जरूरतों का ख्याल रखना चाहिए। उलमा उसकी हुर्मत करेंगे, मुआशरे में इज्जत होगी,
उसे मुकद्दस किताब की हिफाजत करनी है। अगर तुम अपनी सलाहियतों से फायदा लो और दुरुस्त इस्तेमाल करो तो आलम इस्लाम का हर जगह दिफा कर सकते हो। बिल्कुल हो सकता है कि दुनिया के बेहतरीन सलाहियत याफ्ता लोग सूद से उभरे। सूद क्योंकि आज एक सरहदी इलाका है, कौन जाने कि कल सूद की सरहदें इस हद तक बढ़ जाएं कि यही जगह पूरी दुनिया की सल्तनत का गढ़ बन जाए। अगर आप चाहें और उसके लिए मेहनत करें तो इस पूरी दुनिया पर हुक्मरानी कर सकते हैं और दुनिया में इंसाफ की हुकूमत कायम कर सकते हैं इंशाल्लाह। और ये मत भूलना, अगर अल्लाह सुभान व तआला चाहे तो कतरों को दरिया बना दे। खुश आमदीद खानम। खुश आमदीद ना कहूं मेंगू। खैरियत तो है? मैं कुछ भी कह लूं, कुछ भी कर लूं, ना ही मेरी बहन सिरमा और ना उस्मान समझ सकता है मुझे, कोई नहीं समझता मुझे। जब अर्तुरुल सरदार ने खुद ही इस बात का इजहार किया तो आप क्या करती? आपके दिल में जो एहसास है क्या उसे दबा देती मालकिन? आपने बिल्कुल ठीक किया, अपने दिल की सुनी और रजामंदी जाहिर कर दी। बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं आप, वक्त हर शय का इलाज है, सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। मुझे अपनी ख्वाहिश और रजा पे कोई शक नहीं है, लेकिन ये बात उन सबको समझाना मुश्किल है। ये लोग मेरी शख्सियत की, मेरी हैसियत की धज्जियां उड़ा रहे हैं मेंगू। ये तुम्हारी गर्दन पे क्या हुआ? सिरमा ने किया है ना ये? हिम्मत कैसे हुई? छोड़े जाने दे मालकिन, वो बहुत गुस्से में थी और मैं उनके सामने आ गई। उसे तमीज नहीं है बात करने की, छोड़ो छोड़ो मुझे। ऐसा मत कीजिए मालकिन, सिरमा को जानती हैं आप, कीना रखती है वो। मेरी आपसे सिर्फ एक दरख्वास्त है मालकिन, अगर ये मुबारक काम अंजाम पाए और आप काई कबीले चले जाए तो मुझे यहाँ अकेला मत छोड़िएगा, वरना सिरमा मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। तुम परेशान मत हो मेंगू, मैं तुम्हें यहाँ तनहा छोड़कर हरगिज नहीं जाऊंगी, लेकिन अभी मुझे जाने दो, मैं जानती हूँ उससे क्या बात करनी है। अपना ख्याल रखो। अब तक तो यहां पहुंच जाना चाहिए था उस अर्तुरुल को, आया क्यों नहीं अब तक? क्या हुआ? कैसा संदूक है ये? जनाब, उन्होंने हमारे गश्ती दस्ते को यह आप तक पहुंचाने के लिए कहा था। तारा, ये कैसे हो सकता है? अर्तुरुल, जब अब किले में उसके शिकार के मुंतजर थे, वो पहले ही शिकार कर चुका था। उरानूस, कैसे हो सकता है ये? बताओ मुझे, गौर का कैसे पता चला उन्हें? क्या कर रहे थे तुम्हारे सिपाही वहां? उनसे मैं इसका इंतकाम लूंगा। नहीं, मैं तुमसे कोई उम्मीद नहीं रखता। तुम लोगों ने किले में मेरे साथ खेल खेला, अब मैं ये काम खुद करूंगा। अब आप क्या करेंगे जनाब? अब कोई खेल नहीं होगा,
आज ही खत्म कर दूंगा उस अर्तुरुल को मैं। इस खेल का इख्तिताम उसकी मौत से होगा। ना तो मैं आज जांगुच हूं और ना ही कमांडर ड्रैगोस। उसकी मौत हूं मैं, उस अर्तुरुल की मौत हूं मैं आज। सिपाहियों को हमेशा तैयार और मोहतात रहना चाहिए। आज शब की जिम्मेदारी बहुत अहम है। अपने सिपाहियों की तरबियत के लिए उन्हें सख्त आजमाइश से गुजारना चाहिए। मजबूत तलवार, कवी जसारत और एक भरोसेमंद सच्चे दोस्त का साथ मिलने के बाद काई सिपाहियों के साथ मिलकर खुद को साबित कर देंगे इंशाल्लाह। मुझे इसमें कोई शुबा नहीं, लेकिन क्या यह सब एक सिपाही के लिए काफी है सुलेमान? बर्क रफ्तार राहवार, एक मजबूत सिरा। सबसे पहले अक्ल की जरूरत है बेटा, अक्ल की। बहादुरों के लिए मैदान जंग हमेशा सजा रहता है। तुम्हें इसमें तरह तरह के दुश्मन मिलेंगे। कभी एक तलवार ही काफी होती है दुश्मन के लिए। बाज़ औक़ात सुलह और अमन के जरिए एक बड़ी जंग के लिए तैयार होते हैं आप। अगर हर जंग में एक जैसी हिकमत अमली हो आपकी, तो कुछ अरसे बाद आपका दुश्मन आपकी अगली पेशकदमी को भांप जाता है, और फिर वो वक्त आता है जब वो जान जाता है कि आपको शिकस्त कैसे देनी है। इसी वजह से चाहे आप बहादुर क्यों ना हो, शेर की तरह आपको अपनी अक्ल को बखूबी इस्तेमाल करने का गुर आना चाहिए। एक गीदड़ और लकड़ भग्गा भी शेर के दुश्मन होते हैं, लेकिन क्या वो शेर को जेर करने की हिम्मत रखते हैं? शेर उन दोनों से बहुत ताकतवर होता है। वो लकड़ भग्गा को शिकस्त दे सकता है, लेकिन अगर वो दोनों मिल जाएं और मिलकर शेर को मारना चाहें, तो उस वक्त वो शेर क्या करेगा? बहादुरों, जसारत हर दुश्मन की फितरत होती है, लेकिन अक्ल हर एक के पास नहीं होती। अक्ल से आरी शेर जसारत का इस्तेमाल करके बगैर कुछ सोचे लड़ पड़ता है, और बहुत जल्द थक जाता है वो। कुछ जख्म भी लगते हैं, उसके पंजे दर्द करते हैं, मुमकिन है मर जाए वो, लेकिन एक अक्लमंद शेर किसी भी सूरत उस वक्त उनसे नहीं उलझता। सबसे पहले वो उन्हें आपस में लड़वाता है, वो चारा डालता है उन्हें। जब गीदड़ और लकड़ भग्गा आपस में चारे के लिए लड़ रहे होते हैं, तो अक्लमंद शेर इंतजार करता है उनका घात लगाकर। एक दुश्मन दूसरे को जब मार डालता है, तो फिर उस शेर के दुश्मन कम हो जाते हैं, और फिर वक्त आने पर दुश्मन को एक ही वार से अपने पंजे से जेर कर देता है। अगर दुश्मन के पास 100 चाले हैं, तो तुम्हारे पास 1000 होनी चाहिए। सिपाही कैसे बनते हैं अब अंदाजा हो गया तुम्हें? कुव्वत शेर की तरह होनी चाहिए, शेर की तरह बहादुर और साहिब अक्ल, और बर्क रफ्तार भी। माशाल्लाह मेरे बहादुर जवानों, अब चलो जाओ, जाकर जिम्मेदारी निभाओ अपनी। चलो अब्दुल रहमान, अब जरा चलकर जायजा लेते हैं बाजार का, ताकि लोगों के मसाइल मालूम हो सके। जो हुकुम भाई। क्या करना चाहती हो तुम? मेंगू के साथ झगड़ा क्यों किया तुमने? मैं सब समझती हूं जो आप कर रही है। क्या मेंगू को इस बारे में मालूम नहीं था? आपने खेल खेला है मेरे साथ। जुबान संभाल कर बात करो सिरमा, मेरा सब्र मत आजमाओ तुम। तो क्या हाथ उठाएंगी मुझ पर? क्या मैं झूठ बोल रही हूं? क्या आप अर्तुरुल सरदार के पास से नहीं आ रही? वो अपना फैसला ना बदलने इसलिए करीब होना चाहती है। मैंने कोशिश की मगर तुम ना समझी, और अपना गुस्सा उस मासूम लड़की पर निकालने चली गई। ऐसा नहीं है जैसा तुम समझ रही। बेवकूफ मत बनाए मुझे।
जैसा मैंने कहा अगर वैसा नहीं है तो आपने फौरन उनकी पेशकश कबूल क्यों कर ली? अर्तुरुल सरदार के पास क्यों गई थी मुझे बताइए। वो मुझसे शादी करना चाहते हैं, खबर नहीं थी मुझे, लेकिन क्यों करना चाहते हैं ये पूछने गई थी मैं। तो बताइए फिर क्यों करना चाहते हैं? उन्हें मुनासिब लगता है इसलिए, और ख्वाहिश भी है उनकी। अगर मजीद जवाब की तलब है तुम्हें तो अर्तुरुल सरदार से जाकर पूछ लो। तौहीन नहीं करवाना चाहती मैं अपनी, मैं ये शादी नहीं होने दूंगी। आपका निकाह अर्तुरुल सरदार से नहीं करेंगे भाई। मुझे आज से कोई परवाह नहीं कि तुम मेरे बारे में क्या समझती हो। तुम्हें अगर कोई बात करनी है तो मुझसे करो, फैसला करना तुम्हारे इख्तियार में नहीं है। अर्तुरुल सरदार ने इजहार किया, मैंने रजामंदी जाहिर कर दी, यहां बात खत्म हो गई और कुछ नहीं। लेकिन जब से आप यहाँ आई हैं हर बात से आपको शिकायत होती है। अगर आप इस कबीले की खातून हैं तो इलबिल के खातून हर लिहाज से आपसे बेहतर है। इलबिल के खातून से अगर किसी को नफरत करनी चाहिए तो वो मैं होऊंगा, तुम नहीं। उनके किले में मुआहदा करके आया अर्तुरुल। वो मुआहदा आखिर क्या है जंगुच? क्योंकि अर्तुरुल हमें कुछ नहीं बता रहा, क्या उसके आदमी भी नहीं जानते? हाँ,